कबीर बोलते हैं कि जब हम पैदा लिए तो जग हंसा और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और हम हंसे। दोहे में इसको इस तरह बताते हैं कि जब हम पैदा लिए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और आगे कबीर बोलते हैं कि ये जो शरीर है हमारा एक चादर के रूप में है, और ये चादर किन किन धागों से बना है ये दोहे में बताया गया। तो क्या है दोहा, समझने की कोशिश करते हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जो चादर जो है राम रस से बना है, राम रस से भिनाना है चादर को। आगे बोलते हैं, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूनी चदरिया, पंच तत्व की पूनी। नौ दस मास बुनन को लागे, नौ दस मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। यानी हमारे बैकबोन में आठ कमल है और उसी से हमारा शरीर बना हुआ है, और ये आठ जो कमल बने हुए हैं इसको बनाने में 9-10 महीने लगे हैं। बच्चा जब पेट में रहता है, हम लोग जब पेट में थे 9-10 महीने हम लोग पेट में थे, तो इस चादर को बनाने में 9-10 महीने लग जाते हैं, इस शरीर को बनने में 9-10 महीने लगते हैं, और इसमें अष्ट कमल होता है जो शरीर का निर्माण करता है। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रगा रंगरेज ने, ऐसा रंग रगा रंगरेज ने, कि लालो लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। यानी जब ये शरीर पैदा हुए, हम थोड़ा बड़े हुए, तो हमें रंगरेज के पास जाना चाहिए, यानी गुरु के पास जाना चाहिए, टीचर के पास जाना चाहिए, और वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान उन्हें देना चाहिए कि लालो लाल हो जाए, चदरिया राम के भक्ति में डूब जाए, ईश्वर की भक्ति में डूब जाए। आगे बोलते हैं कबीर,
चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी चदरिया, ये दो दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दो दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। यानी ये चादर जो मिला है, ईश्वर का ज्ञान भी आपको मिल गया, आपके पास धन दौलत हो गया, लेकिन आपको शंका नहीं करना, घमंड नहीं करना। ये चादर दो दिन के लिए है, दो दिन बाद ये चादर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपको चादर ओढ़ के घमंड नहीं करना। आगे बोलते हैं, ध्रुव प्रह्लाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो कबीरदास ने जब ओढ़ी चादर तो ज्यों की त्यों धर दी। यहाँ कबीरदास का मतलब है हम लोगों को जो ये चादर मिला है, राम भक्ति में डुबाना है, ईश्वर भक्ति में डुबाना है, समाज सेवा, देश सेवा, लोक कल्याण, इसमें डुबाना है। चादर का मूल भाव यही है, जिस तरह भक्त प्रह्लाद ने ओढ़ी है, और ईश्वर भक्ति में, विष्णु भक्ति में अपना शरीर को लगाया सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने ओढ़ी, भक्ति में डूब गए और उनका कल्याण हुआ। इसी तरह आपको भी कबीरदास बता रहे हैं, हम लोगों को भी बता रहे हैं, ईश्वर भक्ति में डूबना है तभी ये चादर का मूल भाव हो पाएगा, कल्याण हो पाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।